नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सलमान खान और शहनाज गिल का बीच का जो बॉन्ड है वो काफी क्लोज हो चुका है। जी हाँ, सलमान खान शहनाज गिल को बहुत मानते हैं। बिग बॉस में शहनाज गिल ने अपनी जो भूमिका निभाई है उसको देखकर सलमान खान बहुत इंप्रेस थे। और शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के रिलेशन के बाद जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, सलमान खान ने शहनाज गिल का बहुत साथ दिया है। उनके दुख दर्द में उनका बहुत ख्याल रखा है। अभी हाल ही में देखा गया कि जब ईद की पार्टी थी वहां पर सलमान और शहनाज जो है वो स्पॉट किए गए, लेकिन उनकी आपस की जो बॉन्डिंग थी वो ज्यादा क्लोज थी। कहीं कुछ फैंस को वो बहुत पसंद आई तो कुछ यूजर्स को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और लगातार शहनाज को ट्रोल किया। साथ में ये चीज भी नोटिस की गई कि किस तरह से आज तक जिस तरह से सलमान खान किसी भी एक्ट्रेस को गाड़ी तक ड्रॉप करने नहीं आए, पर पहली बार उन्होंने शहनाज गिल को गाड़ी तक ड्रॉप किया है और उनको घर के लिए भेज दिया है। वहीं एक प्यारी सी बॉन्डिंग दोनों के बीच नजर आई। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि शहनाज गिल को पहली जो अब फिल्म मिली है बॉलीवुड फिल्म वो सलमान खान की मिली है, जो कि है कभी ईद कभी दिवाली। एक खास मूवी का फैंस को इंतजार है और इस फिल्म में शहनाज गिल अपनी खास भूमिका निभाएंगी। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद शहनाज गिल के जो को एक्टर होंगे वो सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा होंगे। जी हाँ, आयुष शर्मा शहनाज गिल के को एक्टर हो सकते हैं और शहनाज गिल उनके साथ इस फिल्म में शूट कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वैनिटी वैन से भी शहनाज को बाहर देखा गया। आप कई ऐसी वायरल वीडियोज आ रही हैं फिल्म के शूट से जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शहनाज गिल की वो फिल्म जो शूट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, शूटिंग क्या वो चल रही है। लेकिन सबसे खास बात अगर इस वीडियो की आपको बताते चले तो वो ये है कि सलमान खान शहनाज गिल को मुंह मांगी कीमत देने वाले हैं। जी हाँ, इस फिल्म के लिए शहनाज गिल को जो वो चाहेंगी, जितना वो चाहेंगी उस फिल्म के शूट के लिए पैसा उतना उनको मिलेगा। और सलमान खान जिस तरह से अपना प्यार जो है शहनाज के ऊपर बिखेर रहा है उससे देखने को मिल रहा है कि क्या बॉन्डिंग जो तो है वो दोनों अपने बीच रखते हैं। लेकिन सिद्धार्थ के जाने के बाद सबसे बड़ी चीज यही है कि शहनाज का ख्याल सलमान खान ने भी पूरा रखा है, साथ निभाया है। और उनका जिस तरह से शहनाज को स्ट्रॉन्ग देखा गया सिद्धार्थ के जाने के बाद, नामुमकिन था इतना स्ट्रॉन्ग बनना, लेकिन एक दर्द की दुनिया से बाहर निकलकर उन्होंने अपने आप को मूव ऑन करना सीखा। और किस तरह से मूव ऑन किया जाता है ये कोई शहनाज गिल से सीखे, कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो बना जाता है ये कोई शहनाज गिल से सीखे। सलमान खान के साथ अपना एक खास बॉन्ड शेयर करने वाली शहनाज गिल आपको जल्द ही मिलेंगी, उनके फैंस को जल्द खुशखबरी देने वाली है इस फिल्म की बदौलत। जब सामने आएगी कभी ईद कभी दिवाली, वो भी सलमान खान के साथ। सलमान खान की जीजा यानी आयुष शर्मा भी इस फिल्म में शामिल होंगे और देखने वाली बात होगी कि कब इस फिल्म का जो शूट है वो खत्म होता है, फैंस का इंतजार कब खत्म होता है, क्योंकि फैंस जो है इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से और देखना चाह रहे हैं कि फिल्म जो है वो कैसी रहेगी। ऐसी लगातार अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।